हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें आज भी अपर सर्किट लगा है। और मेरा काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर कि सर आपने क्या रेट में बाय किया है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा बाइंग रेट क्या है। फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है। मैंने इसलिए रखा हुआ है फ्रेंड्स कि मैं इतने कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जैकपॉट शेयर एंड पोर्टफोलियो मैनेज करने के ही मुझे व्हाट्सएप पर डेली 100-200-500 मैसेज आते हैं। उनके जवाब देते देते मैं थक जाता हूँ। आपने देखा होगा कुछ दिनों से मेरी आंखें सूजी सूजी से रहती है, क्योंकि रात को 12-1-2 बजे तक मैसेज आते रहते हैं और सबका जवाब देना होता है। मैं एक बात और एक बताना चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पर जवाब देता हूँ, भले लेट देता हूँ पर मैं जवाब देता हूँ। तो इसीलिए कभी मैंने जवाब लेट दिया तो काफ़ी लोग सोचते हैं सर रिप्लाई कीजिए। अरे हाँ भाई, आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं सबका जवाब देने में थोड़ा टाइम जाता है, और इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है। क्योंकि जैकपॉट शेयर के लिए भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल जवाब रहते हैं। उसके अलावा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग अपने पोर्टफोलियो हमारे टीम को हैंड ओवर कर रहे हैं मैनेज करने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से बात की और बताया कि हम लोग जॉब करते हैं, हम ड्यूटी पर रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कौन सा शेयर कब बेचना चाहिए, कब रहना चाहिए, और अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाते हैं, या कभी शेयर गिरते रहता है तो हमें पता नहीं होता है कि शेयर गिर रहा है और हम लॉस बुक नहीं कर पाते हैं, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते हैं। और इसीलिए काफ़ी लोग ये सोचकर उनका पोर्टफोलियो हमें हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी फ़ोन चलते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, और इसीलिए मैं काफ़ी इसमें बिजी रहता हूँ। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मुझे लोगों के जवाब देने पड़ते हैं या फ़ोन पे बात चलती रहती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे कल एक इन्वेस्टर का कभी कुछ दिनों पहले मैसेज आया था कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की, ब्राइटकॉम ग्रुप में लॉस हुआ इसलिए। उस बंदे को भी मैंने काफ़ी देर समझाया, उसको बताया कि भाई डरो मत, सभी कोई भी शेयर, मेरा एक प्रिंसिपल ध्यान में रखो, कोई भी शेयर कभी नॉनस्टॉप ना कभी गिरता है ना ही कभी नॉनस्टॉप ऊपर जाता है। तो इसीलिए हमें ये पता चाहिए कि कब एंट्री करना है और कब एग्ज़िट करना है। राइट टाइम पे आप एंट्री नहीं करोगे या राइट टाइम पे एग्ज़िट नहीं करोगे, दोनों सूरत में नुकसान हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख के आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दें, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आज मैंने जो 3 जैकपॉट शेयर दिए थे, एक गया 5% अपर सर्किट में, एक गया 7% अप और एक गया 13% अप। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और अगर आपका पोर्टफोलियो हमारे टीम को मैनेज करने के लिए देना है तो उसके टर्म्स कंडीशन क्या होता है, कैसे होता है, ये समझने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। काफ़ी सेफ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका डीमैट अकाउंट आपके पास ही रहता है, सिर्फ हमारी टीम मैनेज करती है और आपको सिर्फ देखना होता है हमने क्या बाय किया, क्या सेल किया, जिसके कारण आपको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हमारी टीम को पता होता है किस लेवल पे बाय करना है और किस लेवल पे सेल करना है। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, अभी नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे और मैंने क्या रेट में बाय किया हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आपको कितना लॉस हो रहा है नहीं फ्रेंड्स, मुझे लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल मेरा फॉलो करता हूँ, राइट टाइम पे एग्जिट और राइट टाइम पे एंट्री, इसीलिए मुझे लॉस नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में। और मैंने क्या रेट में बाय किया है वो भी बताऊँगा आपको। फ्रेंड्स, आज NSE और BSE में दोनों मिलाकर 23,84,000 शेयर ट्रेड हुए, करीब करीब 24 लाख शेयर ट्रेड हुए, वॉल्यूम बहुत कम है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर वॉल्यूम इतना घट क्यों गया, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई, सेलर्स ही नहीं है तो वॉल्यूम आएगा कहाँ से? इसमें सेलर्स ही नहीं है इसलिए वॉल्यूम कम है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कम है मतलब कोई नेगेटिव बात है। अभी अगर देखोगे वॉल्यूम ड्राइअप हो गए, मतलब ये पॉजिटिव बात है कि सेलर्स नहीं है, बायर्स ज़्यादा है। ड्यूरिंग मार्केट भी अराउंड 2,75,00,000 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे, BSE और NSE मिलाकर 2,75,00,000 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे, जबकि वॉल्यूम करीब करीब हुआ ओनली 24 लाख, जो कि काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन है अभी भी ऊपर जाने का ब्राइटकॉम ग्रुप का। अब ये देखिए, मैंने किस रेट में बाय किया है वो तो आपको बताने जा ही रहा हूँ मैं, और दूसरी बात कि अभी अगले लेवल क्या रहेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के। मैंने आपको बताया था
₹12 क्रॉस करना ज़रूरी है, वो क्रॉस किया। उसके बाद में ₹13.50 का छोटा सा एक रेजिस्टेंस था, उसको भी क्रॉस किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ₹16.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है 50 DMA का, उसको क्रॉस करता है तो 21-22 रुपये तक जा सकता है। और 21-22 रुपये तक अगर गया तो आगे 28 से 30 रुपये तक के लेवल भी दिखा सकता है, लेट्स होप 30 रुपये तक जाए। बट उसमें काफ़ी फैक्टर डिपेंड करेंगे, मार्केट क्रैश नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी की तरफ से बैड न्यूज़ नहीं आना चाहिए, या और कोई ऐसी बात नेगेटिव नहीं आना चाहिए जिसके कारण शेयर हिल जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो स्मूथली शेयर ऊपर ऊपर जाते रहेगा। फर्स्ट जो अभी टारगेट इसका ₹16.50, उसके बाद में ₹21 और उसके बाद में ₹22 जो कि छोटा हुआ एक लेवल है, उसको क्रॉस किया तो ₹30 तक भी ब्रैडकॉक ग्रुप का शेयर जा सकता है। देखना यह है कहाँ तक जाता है, बट अभी तो लग रहा है कि आसानी से ₹16.50 को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद में 21-22 को भी क्रॉस कर सकता है। इन द मीन टाइम मार्केट क्रैश नहीं होना चाहिए, बट वहाँ तक तो डरने की बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि मैंने किस रेट में बाय किया हुआ है, मेरा एवरेज रेट है ₹12.50। ₹12.50 इसलिए कि मैंने वेट किया था एक्चुअली कि ₹12 को क्रॉस करना चाहिए, वो क्रॉस करने के बाद मैंने एंट्री ली। और मैंने आपको याद होगा वीडियो बनाया था AMO में बाय करो, बाय करे क्या, AMO ऑर्डर लगाओ, तो मैंने जो कहा था आपको उसी दिन मैंने भी बाय किया था और मैंने एंट्री बना ली थी इसमें। अब आप सोचेंगे मुझे लॉस क्यों नहीं हुआ। फ्रेंड्स जब देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप में फॉरेंसिक ऑडिट का जो न्यूज़ आया था या रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तभी मैंने एग्जिट कर लिया था और मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था, आई सोल्ड ब्राइटकॉम, मैंने ब्राइटकॉम बेच दिया, इसका मैंने वीडियो बनाकर भी बताया था। जब लोग काफ़ी लोगों को ख़राब लगा था कि मैं ओपनली ऐसा बोल रहा हूँ और लोगों को डिसमोटिवेट कर रहा हूँ या मिसगाइड कर रहा हूँ बेचने के लिए बोल रहा हूँ, और देखिए मैंने राइट टाइम पे एग्जिट कर दिया तो कितना मेरा लॉस होने से बच गया, सब लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए। पर मैं जो करता हूँ मैं क्लियर कट बताता हूँ, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, सब बातें हमें पता रहना चाहिए। क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव बात सुनने को सबको अच्छा लगता है, नेगेटिव बोलो तो वो बात कड़वी भी लगती है, बट हमें नेगेटिव फैक्टर्स भी पता रहना चाहिए। इसलिए मैंने बेच दिया था और बीच में मैंने बाय किया काफ़ी बार, बट मैं इतना ही है कि मैंने जो गिरते हुए शेयर में बाय किया और बढ़ते हुए बेच दिया, इस तरह से मैंने बीच बीच में ट्रेडिंग किया। मैंने होल्डिंग ज़्यादा देर नहीं रखी, 15-20% मिला तो मैंने एग्जिट कर दिया हर बार, और अभी भी मैंने ₹12.50 का मेरा एवरेज है। देखते हैं अभी तो होल्ड किया हुआ है, अगर मैं बेचूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं बेच रहा हूं या नहीं बेच रहा हूं। क्योंकि राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, और जो शेयर अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलते हैं उसमें काफ़ी डेंजरस होता है। अपर सर्किट में चलता है जब ठीक है, और लोअर सर्किट में जाता है तो क्या हाल होता है हम जानते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप से, हम जानते हैं एग्जिटा कॉटन से, हम जानते हैं गोयल एल्यूमिनियम से कि कैसे पैसे बर्बाद हो जाते हैं हम लोगों के। मेरी कोशिश चल रही है कि कोई अच्छी न्यूज़ कंपनी की ओर से आ जाए और उसके कारण शेयर 50 रुपये तक चला जाए, ऐसी मेरी कोशिश चल रही है कि शेयर कंपनी की ओर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वो पूरी हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव आएगा, जब मैं आपको बताऊँगा कि भाई क्या कमाल होने वाला है, मेरी कोशिश पूरी चल रही है कि कंपनी की ओर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसके कारण शेयर नॉन स्टॉप 50 रुपीज़ तक जाए, तो काफ़ी लोगों का लॉस रिकवर हो सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं चाहता हूँ कि बैडकॉम ग्रुप में इतना जो लॉस हुआ लोगों का, कोई लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की यह सुनकर बहुत बुरा लगा, तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए सब चीज़ एक सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, और अच्छे दिन भी आते हैं लाइफ में, बुरे दिन भी आते हैं। पैसे के लिए सुसाइड करना, और काफ़ी लोगों ने लोन लेके लिया हुआ है और वो लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं और बाद में लोन वाले तब जो है पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए घबरा कर लोग सोचते हैं सुसाइड करना, सुसाइड नहीं करना फ्रेंड्स। डरना नहीं, स्टॉक मार्केट में ये चलते रहता है, आपकी ज़िंदगी से और आपके फैमिली से कोई बड़ी बात नहीं है। कल मुझे एक एग्जिटा कॉटन वाले का भी फ़ोन आया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट बता सकता हूँ किसको देखना होगा, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूँ, आपसे बात करने के बाद मैं सुसाइड करने वाला हूँ। उसको भी मैंने समझाया, इससे आधा एक घंटा बात की और उसको बोला भाई टेंशन मत ले, कुछ होने वाला नहीं है, और देखिए भगवान की कृपा कि आज एग्जिटा कॉटन भी टर्न कर गया। तो मैंने यही उनको समझाया था कि रुको जरा, ऐसा नहीं कि गिरते रहेगा, रिटर्न मारेगा, थोड़ा हिम्मत रखो, डरो मत। तो भगवान ने शायद सुन ली और आज एग्जिटा कॉटन ने भी टर्न मार दिया, तो एग्जिटा कॉटन में भी काफ़ी लोग लॉस सहन कर रहे हैं। सो लेट्स होप कि ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर जाए, 16.5 तो क्रॉस करेगा ही, 21-22 रुपये क्रॉस करके 28-29 तक जाए और उसके बाद में 50 रुपये तक जाए। यही हम दुआ करते हैं भगवान से, अल्लाह से, सभी से, ऊपर वाले से कि सब लोगों का लॉस रिकवर हो जाए।
थैंक यू फ्रेंड्स।